हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में। और हमारा पहला वर्ड है गलती करना, जिसकी इंग्लिश होती है मेक अ मिस्टेक। इसकी वर्ब की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म मेड होगी। सेंटेंस देखते हैं। ही मेड अ मिस्टेक यस्टरडे, ही मेड अ मिस्टेक यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड है सांस अंदर लेना। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो उसे इनहेल बोलते हैं। I opened the window and inhaled. I opened the window and inhaled. जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे exhale बोलते हैं। EXHALE, exhale. We exhale CO2. हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। We exhale CO2. नेक्स्ट वर्ड है किसी से बदला लेना। Take revenge on somebody. इसकी सेकेंड फॉर्म है took एंड थर्ड फॉर्म होगी taken. तो किसी से बदला लेना, टेक रिवेंज ऑन समबडी। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम वन डे। आई विल टेक रिवेंज ऑन हिम वन डे। नेक्स्ट वर्ड है तरोताजा महसूस करना। फील रिजोनेटेड, फील रिजोनेटेड। आफ्टर द क्लास आई फील रिजोनेटेड, आफ्टर द क्लास आई फील रिजोनेटेड। चमचा, चमचा मीन्स सिक ऑफ हैंड। इसका सेंटेंस देखते हैं। डोंट बिलीव हिम, ही इज अ सिकोफेंट। उस पर भरोसा मत करो, वो बहुत बड़ा चमचा है। और नेक्स्ट वर्ड है तनख्वाह काटना, यानी कि डिडक्ट सैलरी। तनख्वाह मीन्स सैलरी और काटना डिडक्ट करना, तनख्वाह काटना डिडक्ट सैलरी। सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी डिडक्टेड हिज सैलरी। एग्जाम कराना, होल्ड एग्जाम। द कॉलेज विल होल्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर। मोटे लोगों को ओबीज बोलते हैं, OBESE, ओबीज। इसका सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द लॉकडाउन पीपल बिकम ओबीज। किसी का अंधा अनुसरण करना मीन्स फॉलो somebody ब्लाइंडली। सेंटेंस होगा डोंट फॉलो anyone ब्लाइंडली। अब बात करते हैं दीवार में कील लगाना, हैमर नेल इनटू द वॉल। सेंटेंस कुड यू प्लीज हैमर अ नेल इनटू दिस वॉल। नेक्स्ट वर्ड है किसी के पैर पे पैर रख देना। इसका मतलब होता है स्टेप ऑन somebody's फुट। आई स्टेप्ड ऑन हिज फुट बाय मिस्टेक। टॉकेटिव, इसका मतलब होता है बातूनी। अगर आप बहुत बातूनी हैं तो आप टॉकेटिव हैं, जैसे कि ही इज वेरी टॉकेटिव। मोल भाव करना मतलब स्ट्रेक अ बार्गेन। इसका सेंटेंस देखते हैं। आई कांट स्ट्रेक अ बार्गेन लाइक यू। फेरी वाला मीन्स पेडलर। I bought the jacket from a peddler. Virtuous, virtuous मतलब होता है गुड़ी। He is very virtuous. वह बहुत ही गुड़ी है, वह बहुत ही गुड़ी है। Discrimination मतलब भेदभाव। There is a no discrimination on the basis of gender in the company. जो हानि ना पहुंचाए उसको innocuous बोलते हैं। Innocuous, this dog is innocuous. आप लोगों ने हींग तो देखा ही होगा और खाया भी होगा, तो हींग को बोलते हैं ऐसा फटीडा। इसका सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, ऐसा फटीडा इज गुड फॉर डाइजेशन। डरपोक को चिकन हार्टेड बोलते हैं, चिकन हार्टेड। जैसे कि आर यू चिकन हार्टेड। अनुभवहीन या फिर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है उसको नाइव बोलते हैं। जो लोग निर्णय लेने में सक्षम नहीं है या फिर अनुभवहीन है उसको नाइव बोलते हैं। नाइव, NAIVE. Most of the new employees are naive. Most of the new employees are naive. Run away means भाग जाना। We should run away. किसी को इशारे करना, gesture to somebody मतलब किसी को इशारे करना। My friend gestured to me. Hang clothes on clothesline, कपड़ों को तार पे टांगना। My sister hung clothes on clotheslines. Flattered somebody means चापलूसी करना। I don't like flattering anybody. अगर आप किसी की चापलूसी करना पसंद नहीं करते हैं तो आप बोलेंगे I don't like flattering anybody. तो ये थे आज के डेली यूज सेंटेंसेस। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। मिलते हैं कल नए एक और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।